बत्तीस का मैं हो गया, तो मेरे से दो साल छोटे हैं ये जी, तो बत्तीस हो ही गए। प्रवेश जी, खुशी के दो दो लोग खुश हूँ मैं, क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है और उसका फल मिलता है तो उसको डेफिनेटली खुशी होती है। और मैं भी इस फिल्म में बहुत मेहनत किया हूँ, जो लोगों का रिएक्शन है, जो लोग बोल रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिल्म को अगर बहुत सफलता मिलती है तो और भी खुशी होगी। दिनेश जी, आपने टाइटल ऐसे ही दिमाग में आया कि वो घूंघट में घोटाला, चूँकि दो बार घ घ आ रहा था तो मुझे लगा कि अट्रैक्टिव टाइटल होगा, तो मैंने ये टाइटल प्रवेश को बोला था कि इसको रजिस्टर्ड करा लीजिए, कभी इस पर फिल्म बनाया जाएगा। तो जब मंजुल ठाकुर जी ने एक स्टोरी सुनाई, मंजुल ठाकुर जी बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, आप सभी उनको जानते हैं, राजा बाबू चाहे निरोवा हिंदुस्तानी 2, जो भी फिल्में उन्होंने हमारे साथ बनाई है बहुत अच्छी रही, लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई और स्टोरी जब हम लोगों ने सुना तो मेरी पूरी टीम ने सुना, निरोवा एंटरटेनमेंट की पूरी टीम ने सुना। तो सबसे पहले आम्रपाली जी का ये कहना था, सलाह थी इनकी कि इस फिल्म को आप मत कीजिए, ये फिल्म में प्रवेश जी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो ये फिल्म के हीरो प्रवेश जी होने चाहिए। तो हम लोग सब लोगों की राय को लेके ही चलते हैं, सबने कहा कि ठीक है, तो प्रवेश जी रहेंगे इसमें हीरो। और मंजुल जी ने भी कहा कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा। दो नई लड़कियाँ चाहिए थी, जो मनी जी और ऋचा जी, दोनों मिली, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, प्रवेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज पहली बार मैं भी ट्रेलर देख रहा हूँ, हालांकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, पर कहने के लिए हूँ, सारा काम यही संभालते हैं मेरे भाई प्रवेश जी। और ए टू जेड जितना प्रोडक्शन से लेके और फिल्म बनाने से रिलीज तक सारा काम ये अपने कंधे पे संभालते हैं। तो इस फिल्म को भी इन्होंने बखूबी बनाया है, आज मैं देखा और मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि आप लोग भी फिल्म को देख के ये कह पाएंगे, जैसा कि पहला लुक ही बता रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा आशीर्वाद प्यार प्रवेश जी को मिले, और सफलता तो तभी मिलती है जब लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। तो भोजपुरी में शायद बात नहीं है, ये वाला जो कैरेक्टर था इस फिल्म के हीरो का, प्रवेश जी ने बहुत सारे टफ रोल्स किए हैं अपने लाइफ में और उसमें वो बहुत फंपते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, पर ये जो एक स्पेशल दिनेश जी के फ्लेवर की फिल्म है वो मैंने कभी नहीं देखा था प्रवेश जी को करते हुए। और मुझे पता था कि अगर इस फिल्म में करेंगे तो बहुत सूट करेगा उन पर, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आई डोंट थिंक ये वाला ऐसा आपने कभी कैरेक्टर पहले किया है, और मुझे पता था कि बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि आप मत करें और प्रवेश जी से कराइए। और मैं क्या किसी को फिल्म से निकालूंगी रखूंगी, ये दोनों के बीच में कोई ये सब नहीं कर सकता, ट्राई भी मत करना। कम से कम आप फिल्म का म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा हम बने। शुरू जब हो रही थी पूरी, आई थिंक पूरी स्टोरी सिटिंग, म्यूजिक सिटिंग, जब जब हम लोग मुंबई में थे तो हम लोग इसका पार्ट बने, पर फिल्म में कोई ऐसा स्पेशल अपीयरेंस था ही नहीं, अगर होता तो अनडाउटेडली मैं बिना पूछे सेट पर जाके करके आती। प्रवेश जी, रिएक्शन है फिल्म को देख के, चूंकि भैया ने बताया कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली ट्रेलर तो पहली बार ही देख रहे हैं, और जो रिएक्शन है वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था कि अलग पैटर्न की फिल्म है, हॉरर पहली बार, हालांकि फिल्म में कॉमिक हॉरर है, वो कैरेक्टर नहीं डरेंगे, जो कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर भले डरेंगे, ऑडियंस नहीं डरेगी, ऑडियंस को मजा आएगा, ऑडियंस इंजॉय करेगी, तो मैं खुद उससे डरा हुआ था। और ये घूंघट जो प्रथा है, घूंघट प्रथा के चलते तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है गाँव में, बहुत सी औरतें बताती हैं जो बहुत अभी एजेड हो गई हैं, वो लोग बताती हैं कि दो तीन बच्चे हो गए तब तक हमने अपने पति को देखा ही नहीं था कि हमारा पति है कौन। तो ये घूंघट वाला जो है घोटाला, वो घोटाला तो सदियों से चला आ रहा है, पर ये इस फिल्म में जो बड़ी अच्छी तरीके से जो मंजुल जी ने पिरोया है कहानी को, कि एक लड़का एक लड़की प्रेम करते हैं और उस प्रेम के बीच में ये जो सारी चीज़ें घटित होती है, वो जब देखेंगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया, आज हमने ट्रेलर देखा है, फिल्म भी मैंने देखी, और तो अब इस फिल्म में प्रवेश के सामने आता है। अब उसको किसके जीवन में कैसे अनुभव होता है वो, उसको मेरे जीवन में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई भूत प्रेत आज तक नहीं देखा। आम्रपाली जी से भी पूछ ले, पता है अगर आप लोग को पता होगा तो
तो उसमें मैंने एक एपिसोड किया था और मैं ही चुड़ैल बनी थी, सफ़ेद लेंस लगा के पूरा ब्लू ब्लू मेकअप करके। उस समय जब मैंने खुद को आईने में देखा था तभी मैंने एक बार भूत देखा उसके अलावा मैंने कभी भूत वूत देखा नहीं। वही एक इतना डरावना दृश्य था, खुद से ही डर गई तो मैंने तभी डिसाइड किया अब कभी भूत वूत बनूंगी नहीं। दैट वॉज द स्कैरियस्ट डे। इसीलिए आपने इसमें भूत का रोल नहीं किया? हाँ नहीं, इसकी तो भूत बड़ी सुंदर है, बोथ द गर्ल्स दोनों ने इतना अच्छा काम किया है, गाने इतने सुपर्ब है। आई थिंक ये फिल्म जब रिलीज होगी या जब ट्रायल रखेंगे सबसे पहले मैं जाऊंगी, देखना चाहूंगी इस फिल्म को। हुआ लंदन चला। अरे जो सोनू खत्री जी हैं इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग का प्रयास था कि थोड़ा सिनेमा को एक अलग कलर दिया।